हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज में एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन, इसे कहा जाता है अर्पित, ठीक है। इस सिस्टम का बारे में हम पूरी तरीके से जानेंगे और ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होती रहेंगी COVID-19 के बारे में, हम इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे कि अर्पित क्या है। अब ये अर्पित जो है, जहाँ जैसे इसका नाम है कि एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, अब ये रेस्क्यू पॉड है फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब जैसे COVID-19 के पेशेंट्स हैं, इनको आइसोलेटेड रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये डिसीज़ बहुत आसानी से फैल रहा है, ठीक है। अब डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। तो अब ये इस पूरे सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये जो है इंडियन एयरफोर्स ने खुद से डिज़ाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट है कि ओनली इंडिजीनियस मटेरियल हैव बीन यूज्ड टू फैब्रिकेट दिस पॉड, और अब हमारे पास 7 अर्पित है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के पास अब 7 अर्पित है। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो द पॉड इज़ यूज फॉर इवैक्यूएशन ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स विद इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ COVID-19 के पेशेंट्स के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है, तो जो हाईली इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं और जो पेशेंट्स हाई ऑल्टीट्यूड पर रहते हैं या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेरेन में रहते हैं, तो उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए, उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए अर्पित का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो अब उन्हें जो हमारी कंट्री में रिमोट एरियाज़ हैं, आइसोलेटेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ से उनको निकालने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस एफर्ट के लिए, कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, और अगेन सपोर्टिंग द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ठीक है। दिस इंडिजीनियस डिज़ाइन सिस्टम हैज़ बिन डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹60,000 ओनली। हम पहले हमारे कंट्री में थोड़ी बात चल रही थी कि जैसे हम इस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं, अब सिचुएशन देखी जाए तो बहुत जल्दी जल्दी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करके हम इंपोर्ट कर लेते हैं, बट हमारी इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ 60,000 रुपीज़ में इसे डेवलप किया है, जबकि अगर हम इंपोर्ट करते थे तो 60 लाख तक के कॉस्टिंग जाती थी, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ एयर इवैक्यूएशन सिस्टम विद फैसिलिटी टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एरोसोल फ्रॉम अ COVID-19 पेशेंट ड्यूरिंग एयर ट्रैवल वॉज फेल्ट बाय IAF व्हेन द डिजीज वॉज डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक। तो ऑब्वियसली जैसे ही डिजीज़ को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया, इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी उन्होंने सोचा और फिर ये सिस्टम उन्होंने डेवलप कर ली। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जैसे कि COVID-19 पेशेंट्स के अराउंड जो हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं, इमेंसली एफर्ट्स डालते हैं एक इंसान की जान बचाने के लिए, कितनी टीम लगती है, तो अब जैसे रिमोट एरियाज़ में जाके किसी पेशेंट को इवैक्यूएट करना और उस एक पॉड में बहुत, वहाँ पे अब हम सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे किस तरीके के मेजर्स लिए जाएंगे, सेफ्टी मेजर्स, तो इसमें से एक है लाइट वेट आइसोलेशन सिस्टम। अब पॉट में ट्रांसपेरेंट और ड्यूरेबल कास्ट है, ठीक है, जिसे परपेक्स कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है ये, कि जिसे ग्लास के जगह पे इस प्लास्टिक को, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा अंदर फॉर एनहांस्ड पेशेंट विजिबिलिटी विच इज़ लार्जर हायर एंड वाइडर देन दी एग्जिस्टिंग मॉडल्स, ठीक है। पेशेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में ये रहेगा। दी आइसोलेशन सिस्टम केटर्स फॉर अ सूटेबल नंबर ऑफ एयर एक्सचेंज, इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वेंटिलेशन एक्सेट्रा। अब मेडिकल जो एक इंसान को ज़रूरत पड़ेगी उस समय पर, वो सारी ही चीज़ों से इक्विप्ड है ये पॉड, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक निगेटिव प्रेशर मेंटेन करता है वो, ताकि जो हमारा वायरस है वो, मतलब वो वहाँ पे स्प्रेड ना हो जाए डिसीज़, यू नो। अब वहाँ पे कम से कम 4-5 लोग तो भी रहेंगे एक पॉड में, और नहीं भी रहे तो कम से कम 2-3 लोग तो रहेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि COVID-19 किस तरीके से फैलते जा रहा है बहुत तेज़ी से, तो उसके लिए ये एक मेजर उठाया गया है। अब वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर H13, ठीक है, ये एक फ़िल्टर है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर H13 फिल्टर।
और ये जो है सपोर्ट करता है इन्वेजिव वेंटिलेशन यूजिंग ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स। अब ये किस तरीके से वर्क करता है ये हमें एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है आप देयर इज़ नो हार्म यू नो कि इन्फॉर्मेशन लेने में कोई हार्म नहीं है। एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है डिज़ाइन टू कैप्चर एटलीस्ट 99.97% ऑफ फाइन एयरबॉर्न पार्टिकल्स डस्ट पोलन मोल्ड बैक्टीरिया विद द साइज ऑफ एटलीस्ट 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यह बहुत ही इफ़िशेंट सिस्टम है जो कि यूज़ की जा रही है। बहुत केयरफुली इसे यूज़ किया जाएगा इस पॉड को, क्योंकि ये एक नया वे नहीं बनना चाहिए कि जिससे वायरस फैल रहा है। अब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल आएगा तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम सेपरेटर है, फिल्टर फ्रेम्स है कई सारी। तो अब ऐसे कि अगर कोई भी पार्टिकल इस सिस्टम के अराउंड भी है तो इट्स ड्रॉन टू द स्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टिक्स है अंदर इट्स ड्रॉन टू इट, और फिर एक बार कि वो उसके पास आ गया फिर इट इज़ कैप्चर्ड। ठीक है, और जो लार्ज पार्टिकल्स अगर आएंगे तो ये फिल्ट्रेशन सिस्टम अपने आप एयर को एयर फ्लो के जो डायरेक्शन है उसे एडजस्ट कर लेती है और फिर कैप्चर कर लेती है। अभी इतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और बहुत ही छोटा सा वीडियो था और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।